तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि जो हम लोग के ग्रुप डी के रेलवे स्टाफ होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो पहाड़ों के बीच में ही ड्यूटी करते हैं। दो जब पहाड़ को काट के ट्रैक बनाया जाता है तो उसके आसपास के पहाड़ गिर सकते हैं बरसात में, और हुआ भी एग्जैक्टली वही कि गिर ही गया पहाड़। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था, आप देख सकते जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर साइड में ही रह गए, छोटे बड़े जो गाड़ी अगर इनकेस पार भी हो जाता तो ऐसा हुआ नहीं, पार नहीं हुआ। लेकिन इनकेस हो जाता तो भी कुछ नहीं होता, मैं वो बताऊँगा, लेकिन हुआ नहीं और बड़े पत्थर आया नहीं, ये अच्छी बात है। तो पार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले स्टाफ ने देख लिया, और प्रोटेक्शन नहीं देना सोचा क्योंकि गाड़ी कुछ होता नहीं अगर पार भी हो जाता। बड़े बड़े पत्थर जो है रेल लाइन में नहीं आए थे, अगर ये सब टाइप के बड़े पत्थर यहाँ आते तो डिरेलमेंट हो जाता, मतलब गाड़ी पटरी से निकल जाता। और इन केस ये सब डिरेलमेंट होने से क्या होता है कि उसको या तो चार्जशीट दे सकता है या रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी भी दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ के, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये अगर ट्रैक में आ जाते हैं ना और गाड़ी इन केस स्टाफ नहीं देख पाते हैं क्योंकि तो मुश्किल हो जाता फिर उनको रिमूवल फ्रॉम गाड़ी। जहाँ गिरा उसको चार्जशीट तो फिक्स है, अगर मेजर कुछ हुआ तो आपको रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी भी रूल आ गया, तो वो भी कर सकते हैं। देख सकते बड़ा पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर भी थे। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, और मैं पहले आप तो वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो यही सब होता है कि हम लोग को बरसात के समय खासकर ऐसे पहाड़ ज़्यादा गिर सकते हैं, इस तरह नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी दोनों लगाए जाते हैं ताकि इनके इसी तरह का कुछ हो जाए तो उसको प्रोटेक्शन दे। हम लोग सोच रहे इतना इजी होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है, नाइट में भी हो डे में भी हो, तो इस तरह जब तेज़ बरसात हो ना तो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हुआ कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इसके पहले देख लिया गया कि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो यही हुआ, देख सकते हैं आप रेल लाइन से सब साइड कर दिया गया, लेकिन उसके पहले यहाँ बहुत कुछ था, बड़ा नहीं था, छोटे छोटे था, तो उससे कुछ हुआ नहीं। तो बस यही था वीडियो कि मैं बताना चाहता हूँ ग्रुप डी स्टाफ की लाइफ उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ वो बेरोजगारी से थोड़ा बढ़कर है, ठीक बोलूँगा, और बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में और कुछ खास नहीं। काफ़ी बार भयानक गिरा था, इससे पहले भी एक बार बहुत जब जॉइनिंग नहीं हुआ तो उससे पहले भी गिरा था, बोला दोनों लाइन ब्लॉक कर दिया था, यहाँ से बस 100 मीटर आगे की बात है जहाँ तंबू गिरा वहाँ पूरा दोनों लाइन ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, दोनों लाइन ब्लॉक हो गया था, ऐसा पहाड़ गिरा था, इसलिए यहाँ पे तंबू लगाया जाता है। बस यही हम लोग का ड्यूटी होता है नाइट और डे में, प्रोटेक्शन देना ही काम है, यही सब देखना है और कुछ खास नहीं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।